हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रागनी सिलाई सेंटर में। मैं हूँ रागनी शर्मा और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ धोती पटियाला। धोती पटियाला का कटिंग कैसे किया जाता है, वही चीज़ हम इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए 2.5 मीटर कपड़ा है, 2.5 मीटर में धोती पटियाला बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसे हम बता रहे हैं कैसे फोल्ड करना है। और सबसे पहले तो इसका लंबाई क्या है और मोहरी कितना है, कमर कितना है, ये सारी चीज़ आप लोग को नाप ले लेना है। तो इसमें सलवार बनाने में बस 3 ही नाप का ज़रूरत पड़ता है, पहला लंबाई, दूसरा कमर और तीसरा मोहरी का फिटिंग, कितना मुझे रखना है, ये सब चीज़ ये करना है। मुझे बनानी है अभी 37 लंबाई का सलवार। ये देखिए 2.5 मीटर कपड़ा है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसे हम 2 बार फोल्ड किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे डबल फोल्ड कर दिए, बराबर इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे फिर इसे इस कोना को पकड़ के अपनी तरफ इस तरीके से कर लीजिए, इसे ट्रायंगल बना देना है। देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे कपड़े को। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये नुकीला है और इस साइड आप देखिए ट्रायंगल बन चुका है और इस साइड बंद है और इस साइड खुला है। तो हमें बंद तरफ से कुछ नहीं करना है, कोई नाप ही नहीं लेना है, जो भी नाप लेना है मुझे इधर खुला की ओर से लेना है। जैसे कि मुझे लंबाई रखना है 37, टोटल मेरा पूरा लंबाई है 37 सिलाई करके। इस तरीके से ले लेंगे, यहाँ देखिए अगर हमारा लंबाई पूरा 37 है उसमें हम 3 प्लस करेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे, मेरा पूरा लंबाई 37 होना चाहिए और उसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 40 यानी कि 40। ठीक है, तो हम 40 इंच पे इस तरीके से यहाँ टिक लगा देंगे। पहले ये 40 इंच, यहाँ देखिए 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिए। ये जो कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा निकला यहाँ से मुझे कटिंग करके 8 इंच का कमर पट्टी हटा देना है। ये यहाँ देखिए 8 इंच का ये कमर पट्टी हटा देना है। चलिए पहले इसे कटिंग करके हटा लेते हैं, यहाँ जो एक्स्ट्रा हुआ है उसे कटिंग करके पहले हटा देते हैं। ये हमारा बेल्ट बनेगा यानी कि कमर पट्टी। इसे आप सीधा एकदम निकाल लीजिए कटिंग करके। इसे अच्छे से पकड़ लेंगे। अब
देखिए आप लोग को अब ये पूरा दिखाई देता होगा। ओके, अब यहाँ हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि हम 8 इंच का कमर पट्टी हटा दिए और हमारा 40 पूरा लंबाई था, तो यहाँ ले लेंगे 32 इंच और यहाँ पर टिक लगा लेंगे 32 पर। जैसे कि हमें मोहरी रखना है नीचे का, 6 इंच का हमको फिटिंग करना है, 6 इंच पर यहाँ आप टिक लगा लीजिए, उसके बाद ऐसे कर लीजिए, सीधा एकदम लाइनिंग दीजिए। हाफ इंच यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जैसे कि मुझे 6 इंच पर फिटिंग करना है, तो यहाँ हम लेंगे 6.5 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। यहाँ पर आसन लिया जाता है, इसे हम ले लेंगे 9 इंच। आसन के मतलब म्यानी वाला जगह, जहाँ पे म्यानी लगता है, यहाँ पर सिलाई जो किया जाता है सलवार में, पटियाला वगैरह में भी ये चीज सिलाई किया जाता है, पर पटियाला में यहाँ पर सीधा होता है, जो कि सीधा आदमी सिलाई कर देता है, लेकिन इसमें आपको इस तरीके से नाप कर लेना है 1.5 इंच। यहाँ से भी ले लीजिए 1.5 इंच, फिर इसे सीधा मिला दीजिए। अब इसे राउंड करने के लिए, इसको गोलाई करने के लिए आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, यहाँ पे 1/2 इंच नाप लीजिए और इसे इस तरीके से मिला दीजिए ऐसे। अब यहाँ आते हैं, ये तो हो गया हमारा आसन। यहाँ पर जैसे हम लिए मोहरी के लिए, ठीक है, 6.5 इंच 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हुए हैं 6 पे, क्योंकि मुझे फिटिंग करना है। लेकिन जो ये हम टिक लगाए हैं सीधा, अगर इसे कटिंग करते हैं तो यहाँ पर सीधा नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ से 3 इंच नाप लेंगे। और इसमें इस तरीके से मिला देंगे, ये जो मेरा 6.5 इंच है, इस जगह पे हम इसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत जैसे स्केल आता है सूट वाला, वो भी आप रख के यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ऐसे हल्का सा आप राउंड कर दीजिए इसे, ये कर देने से बहुत ही अच्छा कटिंग से बैठता है सलवार का, इस तरीके से यहाँ ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा धोती सलवार कटिंग हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बेल्ट निकालना, यानी कि कमर पट्टी, वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमारा ये कपड़ा बचा, हमें तैयार करके कमर पट्टी को 6 इंच रखना है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया गया है, यानी कि 8 इंच, ठीक है, 8 इंच। जैसे कि कमर का हमारा फिटिंग है 38, जैसे हमारा कमर का फिटिंग है 38, जितना फिटिंग होता है
उससे 6 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि कमर ढीला भी होना चाहिए और सिलाई में भी कपड़ा जाता है, तो इसलिए लूज चाहिए। 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हमारा फिटिंग यहाँ आ रहा 38, यानी कि 19 पर फिटिंग है, तो इसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 23। इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा यहाँ पर ज्वाइंट है, इसे भी कटिंग कर लीजिए। एक साइड तो बंद कर देंगे, दूसरी साइड यहाँ डोरी घुसाने के लिए सिलाई किया जाता है। तो ये हो गया कमर का बेल्ट और सलवार भी कटिंग हो गया। आप लोग तो कपड़े पे कटिंग करना समझ ली, तो चलिए एक बार आप लोग को पेपर में हम समझा देते हैं, ताकि आप लोग कपड़े पे कटिंग करने से पहले आप लोग पेपर पे कटिंग करके समझ लीजिए कि इसका कटिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद ही आप लोग कपड़े पे कटिंग कीजिएगा। तो ये देखिए न्यूज पेपर जो आता है उसी पे हम समझाते हैं आप लोग को। ये देखिए एक न्यूज पेपर ले चुके हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा 2.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड किए, फिर यहाँ देखिए इस कोने पे आपको पकड़ना है। यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे डबल फोल्ड किए हैं। इस कोने से आपको इस तरीके से रखना है हाथ को और ऐसे फोल्ड कर देना है। ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मुझे जितना लंबाई रखना है, टोटल लंबाई यहाँ से हम नाप लेंगे कि मुझे कितना इंच का लंबाई रखना है। जैसे कि अभी हम आप लोगों को कपड़े में बताया 37 रखना है, तो यहाँ से पूरा 37 नाप करके इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ से 37 नाप के इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 40। पहले ये जो ट्रायंगल किए हैं इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग कपड़ा में कटिंग करते हैं, यहाँ आप लोग देखिए इंच से कटिंग किया जाता है। ये जो इंच होता है उससे होता है, लेकिन जब वही चीज जब हम लोग पेपर में करेंगे, वही साइज जब हम पेपर में करेंगे, तो यहाँ जो ये सेंटीमीटर, जो यहाँ देखिए ये छोटा वाला, ये जो सेंटीमीटर होता है उससे हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 9 इंच, यहाँ से मुझे लेना है 32, यहाँ टिक लगा देंगे। अगर आपको सलवार में यह नुकीला बनाना है तो आपको इसे कटिंग नहीं करना है, और लंबाई में 2 इंच आपको छोटा लेना है, क्योंकि ये नीचे लंबा हो जाता है। अगर आप यहाँ नीचे ट्रायंगल नहीं कर रहे हैं तो ही आप इस तरीके से लीजिएगा। यहाँ ले लेंगे 1.5 इंच, ऊपर से भी ले लेंगे 1.5 इंच, टिक लगा लीजिए। यहाँ कोना से अगर राउंड करने में आपको प्रॉब्लम होता हो तो यहाँ से आप 1/2 इंच लीजिए गोलाई, और इस तरीके से कीजिए। यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच, यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं अभी आप लोग को कपड़े में नहीं बता रही हूँ, पेपर में बता रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हल्का सा राउंड कर देंगे इस तरह से। अगर आप लोग को मेरा पेन का नहीं दिखाई देता हो तो मैं आप लोग को चौक से करके दिखाती हूँ इस तरीके से, टिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, इसे हम कटिंग करेंगे तो सीधा होगा, लेकिन वही चीज़ अगर हम इसे कटिंग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा और बीच में गड्ढा टाइप का हो जाएगा, टेढ़ा, जैसा कि गोल मोहरी हमको चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कटिंग करके बताते हैं आप लोग को।
ये देखिए यहाँ ये कटिंग हो गया। अभी जो हम ये कटिंग किए यहाँ पर, वो चीज़ जब इस तरीके से करेंगे देखिए बिल्कुल सीधा निकला है, है ना, बिल्कुल सीधा निकला है। अगर गलती से भी आप इसे कटिंग कर देती हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा, इसलिए ये गलती कभी नहीं कीजिएगा आप लोग। ये देखिए जो पहले जो हम निशान लगाए थे उस पर कटिंग किए, तो यहाँ देखिए हमारा नीचे का मोहरी किस टाइप का हो गया, इसलिए उसे नहीं कटिंग करना है। और यहाँ पर आपको हाफ, यहाँ डेढ़ इंच का गोलाई कर देना है इस तरीके से, सॉरी डेढ़ इंच हल्का सा, ये जो कोना निकला हुआ है इसे कटिंग कर दिया जाता है ताकि चुन देने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम निकालते हैं बेल्ट यानी कि कमर पट्टी, इस तरीके से ले लेंगे। मेरा कमर का फिटिंग जितना भी हो उससे 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इधर ले लिए 8 इंच। इस तरीके से कमर पट्टी को भी निकाल लेंगे। कभी भी आप कटिंग करना शुरू कीजिए, अगर आप पहली बार कर रही हैं तो पहले पेपर में कीजिए, उसके बाद ही आप कपड़े में कटिंग कीजिए। तो यहाँ देखिए एक तो ज्वाइंट हो जाता है, दूसरी तरफ ये ऐसे सिलाई किया जाता है यहाँ डोरी के लिए, और यहाँ पर आपका डेढ़ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है, हाफ इंच नीचे। डेढ़ इंच यानी कि ऊपर बेल्ट में जो फोल्ड किया जाता है इस तरह से डोरी के लिए उसमें चला जाएगा, और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और नीचे के लिए जैसे कि लंबाई हमारा 3 इंच ही ज़्यादा लिए हैं, तो नीचे मोहरी के लिए कपड़ा चाहिए तो आप उस साइज से निकाल लीजिए। यहाँ पर बकरम को सटा करके अंदर की ओर फोल्ड करने के लिए सलवार में, ये तो हो गया। तो चलिए मैं कपड़े में जब आप लोग को बता रही थी तो यहाँ पे राउंड साइड अब तक मैं नहीं की हूँ, वो भी कर देती हूँ। यहाँ इस जगह पर यहाँ देखिए डेढ़ इंच ले लेंगे, डेढ़ इंच इसे हल्का सा राउंड कर देंगे। हो गया, बाकी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ जो 9 इंच लिए, फिर यहाँ पर भी जो कटिंग किए, इतना ध्यान रखना है कपड़े में भी कि इसे नहीं कटिंग करना है आप लोग को, ठीक है। अब इसमें नीचे के लिए पट्टी निकाल दें, नीचे फोल्ड करने के लिए इस नाप से आप 3 इंच का पट्टी निकाल दीजिए। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए ताकि दोनों पैर का निकल जाए। ये देखिए इसमें आप बकरम सटा करके, इसमें आप बकरम सटाइए और इसके साथ ऐसे सिलाई करके पलट दीजिए। तो धोती पटियाला तो कटिंग हो गया दोस्तों, और सिलाई हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में धोती पटियाला के सिलाई के साथ। बाय।